फिर आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली आके अब वो कह सकते हैं कि मिस्टेक हुई है टर्निंग पॉइंट वही हो गया तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पे उतरा पहली बार तो स्टेशन से उतरते बाहर पता लगा एक कॉलेज यहीं पर है तो मैं बहुत रैंडम किस्म का जीवन जीता हूँ मैंने बहुत सोचा नहीं वहीं एडमिशन ले लिया जाकिर हुसैन कॉलेज में तो मेरी परसेंटेज ठीक थी मतलब मैं कैंपस में एडमिशन मिल जाता एक मेरा दोस्त था उसका एडमिशन जाकिर हुसैन में ही हुआ था तो जब मैं दिल्ली पहुँचा वो दिल्ली में रहता था उस समय उसके पेरेंट्स भी में से तो मेरा उससे कॉन्टेक्ट था तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पहुंचा तो वो मुझे मिला और उसने बताया उसका एडमिशन यहीं पड़ोस में कॉलेज में हो गया है तो फिर छोटे कस्बे वाले लोग बहुत सोचते नहीं हैं वो दोस्ती निभाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं तो फिर दोस्ती निभाई मैंने एडमिशन वहीं ले लिया लेकिन वहाँ ए से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की संभावना ख़त्म हो जाती है क्यों जाकिर हुसैन कॉलेज की पॉलिटिक्स अलग किस्म की है वहाँ पार्टियाँ नहीं चलती हैं एन एस यू आई मतलब उस समय तो नहीं चलती थी आजकल मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है लेकिन वहां मैं तीन साल में काफी पॉपुलर हो गया था फर्स्ट ईयर जब मैं आया उन्नीस सौ नब्बे की बात है तो मंडल कमीशन उसी समय आ गया समझ तो थी नहीं उस समय तो हम भी आंदोलन में उतर गए बिना समझे आरक्षण विरोधी आंदोलन जी सब उतरे थे तो हम भी उतर गए हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ओ बी सी क्या होता है एस सी क्या होता है एस टी क्या होता है कभी सुना ही नहीं था समझा ही नहीं था बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं तो हमें होना चाहिए और साढ़े सोलह की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पर कर्फ्यू है आप बसों के पीछे लटक रहे हैं शीशे तोड़ पा रहे हैं टायर में आग लग रही है वो माहौल देख के बड़ा रोमांच होता था तो ये सब तो मैंने नहीं किया लेकिन हाँ मैं आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया हाँ ये सब नहीं किया लेकिन मतलब बाकी पुलिस की पिटाई विटाई वो सब झेला ठीक से झेला अच्छा पुलिस ने मार धरी आपकी हाँ वो वो सब हुआ वो सब हुआ वो तो दो तीन बार हुआ कॉलेज लाइफ में एक बार एकदम लिखने वाले थम लिखने वालों को एक वो मिल गया कि विकास दिवकीर्ति को पुलिस ने क्यों पीटा <laughs> <laughs> तो एक पर बार पुलिस हमने सुना है इस तरह के आंदोलनों में जब पकड़ती थोड़ा हाँ, रहम तो रखती एक नारा हम लगाते भी थे अंदर की ये बात है पुलिस हमारे साथ है तो जब जब पुलिस आसपास पास देखती थी हम सबका एक ही नारा होता था ताकि पुलिस मारे नहीं हमें पुलिस मारती भी रही थी लेकिन जब चीजें आगे बढ़ गई जब एक आत्मदाह हुआ फिर कई आत्मदाह होने लगी राजीव गोस्वामी का हुआ फिर राजीव गोस्वामी को बचाने के लिए पूरा देश पूरी सरकार घुटनों पर आ गई थी उस समय एम्स में वो थे उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं बीकॉम ऑनर्स छोड़ दूं क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ता था ज़्यादा बीकॉम में थे हाँ मैं बीकॉम ऑनर्स में था मैंने प्लस टू कॉमर्स अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स से की है अच्छा जी बीकॉम ऑनर्स में दिक्कत थी कि पढ़ना ज़्यादा पड़ता था पर मेरी वो फितरत थी नहीं उस समय और फिर मेरे आस सब लोग बोल रहे थे कि आई की तैयारी करेंगे तो मुझे लगा ठीक है मैं भी कर लूँगा आई की तैयारी आई क्या होता मुझे बहुत आइडिया नहीं था उस समय तक तो सब ने कहा कि आई के लिए हिस्ट्री अच्छा रहता है तो मैंने फिर चेंज करवाया अपना बी कॉम ऑनर्स से हिस्ट्री ऑनर्स ये उसी समय की बात है जब राजीव गोस्वामी एम्स में इलाज चल रहा था उसी समय की बात है तो उस समय हालत ये थी कि पीतमपुरा में रहता था एक हॉस्टल था हमारा छोटा सा और जो एच थे उनसे साइन करवाना था चेंज करने के लिए वो साकेत में रहते थे मंडल कमीशन था कर्फ्यू था तो मैं पीतमपुरा से साकेत पैदल गया था करीब पच्चीस किलोमीटर उस दिन पैदल का मतलब 90 परसेंट पैदल बीच में कोई स्कूटर वाला मिल गया तो लिफ्ट मिल गई थोड़ी सी ऐसे करते करते hmm. और फिर साइन करवा के फिर वापस आए फिर सब्जेक्ट चेंज हुआ पढ़ा मैंने हिस्ट्री भी नहीं लेकिन हाँ हिस्ट्री में यह था कि पढ़ाई कम करनी पड़ती थी काम चल जाता था